हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स होता है। आज 24 दिसंबर 2018, वार सोमवार। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सभी प्रकार के समाचारों की। पहला है, राष्ट्रीय अखंडता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल केवड़िया में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में राष्ट्रीय अखंडता के लिए वार्षिक सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने की दिशा में असाधारण प्रयासों के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्मारक सिक्का जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और जो ये सिक्का जारी किया जा रहा है इसका वजन है 35 ग्राम और इसकी त्रिज्या 2.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, बैलिस्टिक मिसाइल अग्निफोर का सफल परीक्षण। भारत ने एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्निफोर का सफल परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है तथा यह जमीन से जमीन मार करने वाली इस ICBM अग्नि 4 का परीक्षण सुबह 8:30 बजे ओडिशा तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। इस मिसाइल में अपने लक्ष्य पर पहुंचने के क्रम में होने वाली गड़बड़ियों को स्वयं ही ठीक कर लेने की क्षमता है। मतलब यह सेल्फ डिफेंस मिसाइल है, जो कि अपनी जो कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई तो सेल्फ उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगी। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 31वीं बैठक, GST की 31वीं बैठक संपन्न हुई है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद GST काउंसिल की 31वीं बैठक 22 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में कई चीज़ों की GST में बदलाव किया गया है। बैठक में 17 वस्तुओं और 6 सेवाओं पर GST की दर घटाई गई है। बैठक में GST दर घटाए जाने के बाद सिर्फ 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में बच गई है। नेक्स्ट, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार दुनिया के 7वें बड़े शेयर बाजार बनने के लिए 7 वर्षों में पहली बार जर्मनी से आगे निकल गया है। इससे अगले साल मार्च में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने पर दुनिया के 7 शीर्ष शेयर बाजारों में संघ का नेतृत्व करने वाला देश फ्रांस होगा। नेक्स्ट, चीन ने अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह 11 मार्च 11 वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया ताकि दुनिया भर में गूगल और अन्य फर्मों के मुकाबले ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएँ प्रदान की जा सके। यह चीन एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्प द्वारा योजना बनाई गई होंगयानु परियोजना में पहला संचार उपग्रह है। होंगयानु परियोजना सितंबर 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक अंतरिक्ष आधारित संचार नेटवर्क का निर्माण करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ इंटरनेट की कमी है। नेक्स्ट, इनसाइट लैंडर। नासा ने घोषणा की कि उसके इनसाइट लैंडर ने मंगल की सतह पर अपना पहला उपकरण सिस्मोमीटर तैनात कर दिया है। सिस्मोमीटर इनसाइट पर सर्वोच्च प्राथमिकता वाला उपकरण है और यह विश्लेषण करेगा कि भूकंपीय तरंगे ग्रह की परतों से कैसे गुजरती है। वैज्ञानिक इन परतों की गहराई और संरचना को घटा सकते हैं। असम की नाइट एंगल के रूप में जाने वाली दीपाली बोरठाकुर ने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली और वह 77 वर्ष की थी। पद्मश्री से सम्मानित दीपाली बोरठाकुर को उनके कई प्रशंसक उन्हें असोमिया लता मंगेशकर भी कहते हैं और असम की नाइटेंगल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत की 20 साल की वेदांगी कुलकर्णी 159 दिनों में साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई है। वेदांगी ने कोलकाता में साइकिल चलाकर 29,000 किलोमीटर की
मानव दूरी को तय किया। उन्होंने इस सफर की शुरुआत जुलाई में पर्थ से की थी। वेदांगी ने 14 दिवसीय को यात्रा की है। नेक्स्ट, फीफा ने बेल्जियम द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर वैश्विक फुटबॉल रैंकिंग जारी की, जिसके फीफा गणना के अनुसार 1727 अंक है। फ्रांस 1726 अंकों के साथ दूसरे और ब्राज़ील 1676 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। 20 दिसंबर 2018 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत 97वें स्थान पर रहा है। और आज नेशनल कंज्यूमर डे है, तो इन इंडिया 24 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर डे। ऑन दिस डे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके मुख्य समाचार जो कि आज करंट अफेयर्स है और आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं, लाइक करें, जो भी क्वेरी हो कमेंट करें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन अकेडमी पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।